तो इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सूत्र स्थान अष्टांग हृदय का। कौन सा चैप्टर नंबर 9? अपन ने आठवां चैप्टर पहले देख लिया था, मात्रा अशीति अध्याय। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड ईयर का जो भी बेसिक होगा है ना, बीजी से रिलेटेड यानी द्रव गुण से रिलेटेड, या अपन कह सकते हैं रस पंचक क्या होते हैं, रस क्या होता है, गुण क्या होता है, वीर्य क्या होता है, विपाक क्या होता है ना। तो और दो रूल पढ़ेंगे, समान प्रत्यारंभ और विचित्र प्रत्यारंभ। ये सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके सेकंड ईयर में पूरा बेसिक इसी चैप्टर पर टिका हुआ है ना। और जो बात बोली है वाग्भट ने विभाग विभाग के बारे में, जो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ किसने बोली है, अष्टांग हृदय के वाग्भट ने बोली है, तो ये भी अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को सुनना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, द्रव्य द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय, मतलब द्रव, द्रव के बाद क्या आता है, गुण कर्म है ना, वो वाला चैप्टर, इसीलिए इसमें क्या लगा है, द्रव्य आदि। ओके सो ये अपन को समझना है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन क्या क्या चीजें, कि पूर्व में आहार द्रव्यों के गुण धर्म का वर्णन किया गया है, जैसा अपन ने आठवें चैप्टर में पढ़ा है वो वाला, किंतु आहार द्रव्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती। अपन सभी जानते हैं कि आहार द्रव्य कोई लिमिटेड थोड़ी अनलिमिटेड है ना, बहुत सारी संख्या आते तो डायग्नो ये डिस्कवर हुए, बट आधे इतने, आधे से भी ऊपर इतने हैं जो कि अपन डिस्कवर नहीं कर पाए अपने साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसलिए अब इसीलिए लिख रहा है, किंतु आहार द्रव्यों की संख्या अनलिमिटेड है। यह सिद्धांत द्रव्यों की गुणधर्म को जानने के आधार पर उनके रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव का वर्णन है। इस चैप्टर में क्या वर्णन है ये भी अपन को पता होना चाहिए। जो आपको एक बात बता दूं, जब मैं रस पंचक बोलता हूँ तो वहां पर क्या होता है, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव, ये पांच चीजें होती है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, रस पंचक बोलते हैं। तो रस पंचक का वर्णन कौन से में मिलता है, 9 चैप्टर में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन द्रव्य की प्रधानता। अब इनमें भी जो रस गुण वीर विपाक प्रभाव है, इनमें भी सर्वश्रेष्ठ या प्रधान कौन होता है, द्रव्य होता है, क्योंकि सभी चीज द्रव्य में ही तो होगी है ना। अपन पदार्थ विज्ञान में द्रव्य पढ़ते हैं, ये इसीलिए कह रहा है द्रव्य क्या है, प्रधान है। देखो कैसे, रस आदि में द्रव्य की प्रधानता होता है, क्योंकि यह है ना, क्योंकि यह रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव द्रव्य में ही आश्रित होते हैं, है ना, ये सारी चीजें इसमें आश्रित होते हैं, इसीलिए इसको प्रधान बोल दिया। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, द्रव्य जो है पंच महाभूत और पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न, कोई भी द्रव्य उत्पन्न होगा तो किसका, किन से, पांच महाभूत का है ना, पांच महाभूत से सभी जितने भी जो भी परमाणु अणु जो भी है धरती पर, अपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, ये सब किससे मिलकर बने हुए हैं, पंच महाभूत से मिलकर बने हुए हैं, राइट। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी का आश्रय लेकर कोई भी चीज जो जन्म ले रही है वो किसी चीज का, तो हेवी चीज का आश्रय लेगी। अब स्थूल क्या चीज है, यहाँ पर पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर कोई चीज टिक सकती है, तो इसीलिए पृथ्वी का आश्रय लेकर उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला इसने नेक्स्ट कोटेशन में, कि जल इस द्रव्य की उत्पत्ति योनि के कारण है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि योनि का कारण यानी उत्पत्ति में योनि का कारण कौन है, तो आपको क्या लिखना है कि जो जो अग्नि वायु और आकाश है ये क्या है, योनि है। अब देखो यहाँ क्या बोला इसने, समवाय नित्य संबंध में से इन्हीं में से संपूर्ण विशेषता आती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने क्या बोला यहाँ पर ऊपर की साइड में, देखो आपको शो हो रहा होगा राइट साइड में, कि देखो यहाँ पर पहले मैंने द्रव्य किसके अंदर लिखा, पृथ्वी, यानी पृथ्वी में क्या हो गया, पृथ्वी कोई भी द्रव्य उत्पन्न होगा किसी चीज के बेस तो होना चाहिए ना, तो पृथ्वी ले लिया बेस। अब उसमें क्या है, आकाश अग्नि और वायु है ना, और जल, आकाश अग्नि और वायु ये इनका क्या होता है, योनि होते, इसमें ही जन्म लेगा, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, जल में द्रव्य की उत्पत्ति योनि का कारण है, ठीक है। और अग्नि वायु और आकाश इसमें समवाय संबंध है, सॉरी मैंने कुछ गलत बता दिया यहाँ पर, ठीक है मैं वापस इसको क्लियर करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने, कि यहाँ पर मैंने जल को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या होगी, उसी चीज की बेस हो गई, ठीक है, कोई भी द्रव्य होगा पृथ्वी पर भी तो उग रहा है, लेकिन जल क्या है, उसके लिए योनि होगी। देखो जल अपन जानते हैं ना, कोई भी बैक्टीरिया हुआ, कोई वायरस हुआ, कोई भी चीज, किसमें, अपन अपन बायोलॉजी में भी पढ़े थे है ना, उस चैप्टर में, के सातवां चैप्टर था 12th का, तो वहां पर भी अपन ने पढ़ा था, कोई भी चीज है तो किसमें उत्पन्न हो रही है, वाटर में उत्पन्न हो रही, उसके बाद धरती पर आई, अपना भी एक सेल बनी थी वो भी जल में बनी, उसके बाद ही अपन धरती पे आए, तो यही सेम से, इसीलिए योनि क्या चीज है, ये जो वाटर है ना, देखो मैंने खड्डा बनाया और उसको मान लिया पृथ्वी, अब इसमें वाटर इंक्लूड कर लिया तो ये हो गया जल, तो जल क्या हो गया उस चीज के लिए, कोई भी द्रव्य के लिए योनि क्या हो गया, जल हो गया। अब देखो यहाँ पर वायु अग्नि और आकाश के लिए क्या बोला मैंने, वाग्भट ने क्या बोला कि आकाश वायु और अग्नि, आकाश अग्नि और वायु के लिए नित्य संबंध से रहते हैं, क्या होते हैं, कोई भी द्रव्य है तो उसमें संबंध से रहेंगे ही, सही ना, लेकिन अपने को बेसिक चीज क्या रखनी, जो पृथ्वी है वो आश्रय है, ठीक है, कोई भी द्रव्य का, जबकि जल क्या है, उसके उत्पत्ति का योनि का कारण है, और अग्नि वायु और आकाश इसमें क्या होते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं किसी भी द्रव्य में, क्लियर हो गया ये चीज। अब अपन आगे चलते हैं, देखो द्रव्य में पांच महाभूत के होने के बाद भी किसी एक महाभूत की अधिकता होती है ना,
अपने पढ़ा है पंजीकरण का सिद्धांत कि पांच महाभूत तो होते ही हैं, लेकिन उसमें एक महाभूत होगा जो कि उसकी क्या दिखाएगा, वो प्रधानता दिखाता है, उसी के अनुसार उसके गुण होंगे। तो इसीलिए इस भागवत ने भी सेम लाइन बोली कि द्रव्य में पांच महाभूत के होते तो हैं, लेकिन क्यों, कोई भी उसमें से पांच में से एक महाभूत क्या होगा, अधिकता में होगा, जैसे पृथ्वी हो गया, जल हो गया, लेकिन जल ज्यादा होगा तो उसमें स्निग्धता ज्यादा होगी और स्निग्धता ही गुण करेगा, ठीक है, यानी जली गुण ज्यादा है, जली क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसलिए वाग्भट ने सेम लाइन रिपीट की है। फिर बोल रहा है द्रव्यों के अनेक रसद, यानी भूत पंच महाभूत के संघात है ना, मिलने से द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। अपन जानते हैं पांच महाभूत के मिलने से ही क्या होगी, किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति होती है। अतः कोई भी द्रव्य एक रस वाला नहीं होता है, इसी प्रकार कोई भी रोग एक दोष वाला नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अतः कोई भी जो एक रस है ना, कोई भी द्रव्य है वो एक रस वाला नहीं होता है, उसमें पांच जो छह रस होते हैं वो छह ही होते हैं, लेकिन कोई भी एक महाभूत प्रधानता के कारण उसका एक रस है वो प्रधान हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। इसीलिए कोई दो रोग हो रखा वो किसी एक दोष से नहीं होता, ठीक है, जैसे ज्वर की बात करूं आदि, कोई भी डिजीज ले लें अपन तो कोई पर एक दोष से नहीं होगा, उसमें कभी पित्त भी मिल जाएगा, कफ भी मिल जाएगा, इस तरह से रोग होते हैं, ठीक है। तो द्रव्यों में जो स्वाद व्यक्त होता है उसे रस कहते हैं। देखो यहाँ पर अलग लाइन बता दी, रस की डेफिनेशन बता दी है, क्या बताइए रस के लिए, कि द्रव्यों में जो टेस्ट व्यक्त होता है, जैसे अपन टंग पर उसका स्पर्श कराएंगे और जो रस अपन महसूस करते हैं उसे क्या बोलेंगे, रस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद होनी चाहिए, वाग्भट ने रस के लिए क्या बोला कि जो द्रव्य अपन स्वाद टेस्ट करते हैं उसे रस बोलते हैं, और जो स्वाद अस्पष्ट रहता है या बाद में कुछ स्पष्ट होता है या थोड़ा स्पष्ट हो उसे अनुरस बोलते हैं। अनु यानी कि बाद में, राइट, तो अनुरस इसीलिए तो उसको बोल रहे हैं कि बाद में अपने को स्पष्ट हो रहा है, तो रस किसे बोल दिया, जो पहले टंग पे जैसे ही स्पर्श किया तो वो रस महसूस हो गया तो इसे रस बोल दिया। फिर अनुरस जो बाद में स्पष्ट होता है ना, कुछ देर बाद पता पड़ता है या अंदर जाने के बाद पता पड़ेगा, तो वो अनुरस कहलाएगा। तो आपको चीज याद होनी चाहिए, दो नंबर में पूछता है वो अनुरस क्या है, रस क्या है, तो इनकी डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हो, राइट। और ये भी ध्यान हो ही गया होगा कि क्या होती है योनि, क्या हो गई उसके लिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं रसों में गुर्वादी गुण। गुर्वादी गुण आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ोगे कितने होते हैं, 20 होते हैं, है ना। परादी गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसी प्रकार 41 गुणों का वर्णन आयुर्वेदा में मिलता है, तो गुर्वादी गुणों की संख्या कितनी होती है, 20 होते हैं। गुरु आदि गुण भी रस के आश्रय, पृथ्वी आदि जो पंच भौतिक द्रव्यों में रहते हैं, और रस है ना, रस कैसे मधुर अम्ल लवण वो वाले छह रस में उनका व्याप्त रहना केवल सात या सहचर्य होने में उपचारता रूप से कहा जाता है। यानी कि जो आप कोई भी जो गुर्वादी गुण है वो मिलके तो पंच महाभूत से ही मिले हैं ना, और उसमें रस भी किससे मिलकर बने, पंच महाभूत से, तो ये इसीलिए कोरिलेट कर रहा है इन चीजों से, ठीक है। तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन अगले, तो देखो आपको जो पांच महाभूत है उनका स्वरूप और गुण के डायरेक्ट कोटेशन याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड ईयर में बहुत काम आएंगे। आपको चरक के याद नहीं होंगे तो आप आराम से ये लिख सकते हो वहां पर अष्टांग हृदय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसने स्वरूप का गुण बताया है कि द्रव्य क्या होते हैं, जो द्रव गुरु है ना, जो पृथ्वी के लिए क्या लाइन बोली, देखो इसने क्रम उल्टा लिया, पहले पृथ्वी ले ली, फिर जल, फिर अग्नि वायु, है ना। तो अपन भी इसी हिसाब से पढ़ लेते हैं इसको कि सबसे पहले पृथ्वी पढ़ते हैं, तो पृथ्वी हेवी होती है गुरु, है ना, स्थूल होती है और स्थिर होती है और गंध गुण सी अधिकता होती है, तो गुण कौन सा हो गया उसमें, गंध गुण अधिकता हो गई, ठीक है, ये चीज याद हो गई। इसीलिए फर्स्ट लाइन में क्या बोला, तत्र द्रव्यम गुरु स्थिर स्थूल स्थिर गंध गुणा उल्मणम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है सेकंड लाइन, अब हिंदी की पढ़ना, और यह प्रार्थी होता है और यह शरीर में भारीपन, क्यों, गुरु है तो भारीपन लाएगा, स्थूल स्थिर है तो स्थिरता लाएगा, कठिनता कौन लाएगा, जो स्थूल है वो, है ना, और उपचय यानी कि पुष्टि करेगा सर की, शरीर में पुष्टि करेगा सभी धातु की। तो ये याद रखना, पार्थिव गौरव स्थैर्य संघ घातो पचय या वहम, ठीक है। तो ये चीज दोनों हिंदी में याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोटेशन अच्छे से याद कर लेना, बहुत काम आएगा, लिख लेना है पांचों के पांचों कोटेशन, ठीक है। पांच महाभूत में आप वहां भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों स्वरूप भी बता रहा है और गुण भी बता रहा है ना, ये कर्म भी बता दिए, यहाँ पर गुण पहले बता दिए और कर्म बता दिए, गुरु है तो क्या काम करेगा, तो गुण और कर्म का कॉम्बिनेशन वाला कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर जल की बात करें तो जल के बारे में आप सभी जानते हो, शीतल होता है, ये भी गुरु होता है, स्निग्ध होता है, मंद होता है ना, सांद्र होता है, रस की अधिकता होती है, इसमें कौन सी गुण की अधिकता होगी, रस की अधिकता होगी, और ये शरीर में क्या काम करेगा, स्निग्धता विषंदन, ठीक है, क्लेदन, और हृदय में प्रसन्नता और बंधन काम करेगा। ये लिख रखा द्रव शीत गुरु स्निग्धम मंदम सांद्रम रसोल्मणम, ठीक है, द्रव्यम स्नेहम विषम विषंद क्लेद प्रहयत बंधकृत, ठीक
है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अग्नि, अग्नि के बारे में सब कुछ जानते हैं अपन, अग्नि क्या होती है, रुक्ष होती है, तीक्ष्ण होती है, उष्ण विशद है ना, विशद यानी क्लियर होती है, सूक्ष्म होती है, और रूप गुण की अधिकता वाले द्रव्य होते। देखो इसमें रूप आ रहा है, तो अपन जानते हैं कि अग्नि महाभूत का यही तो होता है जो अपन देखते हैं ना, पंचतन मात्रा है, तो उसमें भी रूप ही आता है, तो ये चीज अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, आराम से याद हो सकती है हर एक की अलग अलग। फिर ये वर्क क्या करता है बॉडी पर, अग्नि महाभूत दाह करवाएगा, कांति करवाएगा, और वर्ण और प्रकाश और पाक का कार्य करवाता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए कोटेशन में भी यही बोल रहा है, रुक्ष तीक्ष्ण उष्णम विशद सूक्ष्म रूपम गुणम उल्मणम आग्ने दाह पाप भाव वर्ण प्रकाश पचदात्मकम, ठीक है। तो इस तरह आपको कोटेशन याद करने हैं, लिख लिख के याद करना, पहले हिंदी अच्छे से समझ लो, फिर आराम से कोटेशन याद हो जाएंगे, ठीक। क्यों, कोटेशन हिंदी में भी वही लिख रखा, लेकिन अपने को जोड़ना आना चाहिए, हाँ भाई ये लाइन से ऐसे बोल रखा है, तो अपने को डायरेक्ट कोटेशन याद होगा, फटाफट लिखने में आ जाएगा, ठीक है। फिर वायु, वायु के लिए क्या बोल रहा, वायु रुक्ष विशद लघु स्पर्श गुणा उन्मणम, ठीक है, रोक्षम लाघवम वेषद्य विचार ग्लानि निकारम, ठीक है, ग्लानि कारकम, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है इसने कि रुक्ष होती है वायु, विशद लघु और स्पर्श गुण की अधिकता होती है इसमें, तो ध्यान रखना हर एक गुण ये वाले ध्यान रखना, स्पर्श गुण की वायु में अधिकता होती है। फिर ये शरीर पर रुक्षता लाएगा, लघुता लाएगा और विशदता लाएगा, ठीक है, अनेक प्रकार के विचार और ग्लानि उत्पन्न करने का काम करता है, कौन, वायु। तो ये कोटेशन में बोल रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आपको याद करने है बार बार, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आकाश के लिए क्या बोला, नाभसम सूक्ष्म विशदम लघु शब्द गुण उल्मणम, ठीक है, सोशीर्यम लाघवम करम, ठीक है। तो आकाश प्रधान द्रव्य सूक्ष्म विशद और लघु और शब्द गुण की प्रधानता वाले होते हैं, और शरीर में सुशीलता या छिद्रता और लघुता लाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं, पांचों कोटेशन अच्छे से याद कर लेना आप। अब आगे चलते हैं अपन, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा, संसार में कोई भी द्रव्य अनौषध नहीं है, यानी कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो औषध नहीं हो, सभी द्रव्य औषध। आप सेकंड ईयर में जब द्रव गुण पढ़ोगे तो द्रव गुण सेकंड ईयर सेकंड बुक में यही औषधि आएगी, सभी बुक मतलब जितने भी ड्रग्स होंगे उसमें सारे किस प्रकार से अपने ट्रीट कर सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज बताया। तो सभी द्रव्य औषध है, प्रयोजन और भिन्न भिन्न जो पंच महाभूतों के आधार पर सभी द्रव्य औषध होते हैं, ठीक है, हर एक में पंच महाभूत से होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली लाइन नहीं है इसमें, समझने वाली कोई बात नहीं थी। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, द्रव्यों के वामक मतलब उद्व और अधोगामी यानी विरेचन गुण कैसे होते हैं, कौन से महाभूत अधिकता होगा, तो आपको पता है कि भारी होगा वो नीचे से निकालेगा, ठीक है। तो भारी महाभूत कौन से हैं अपनों में, तो जल और पृथ्वी। तो जिन द्रव्यों में जल और पृथ्वी महाभूत अधिकता होगी तो वो क्या करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, जबकि अग्नि, अग्नि ऊपर उठती है और वायु उसे ऊपर की ओर ले जाती है, तो ये अग्नि और वायु महाभूत जिस द्रव्य में अधिकता होगी वो वामक करवाएंगे, यानी कि वोमेट करवाएंगे, उद्व मार्ग से निकलेंगे, ठीक है। तो यही लाइन लिख रहा है कि जो द्रव्य उद्व मार्ग से प्रवत होते हैं उनमें अग्नि वायु की प्रधानता होती है, और अधो मार्ग से प्रवत विरेचन कराने वाले द्रव्य में पृथ्वी और जल की महाभूत की अधिकता होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, पांच महाभूत होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो नीचे वाले दोनों भारी, तो नीचे से निकालेंगे यानी कि विरेचन करवाएंगे, ऊपर से कौन निकालेंगे, अग्नि ऊपर उठती है तो क्यों, क्योंकि वायु के कारण, तो वायु और अग्नि ऊपर समझ लेंगे अपन, ठीक है। तो याद ऐसे रखा करो ताकि लॉन्ग टाइम तक याद है। अब देखो यहाँ पर वीर्य बता रहा है, वीर्य क्या होता है पहले तो ये समझो। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट कोटेशन में इसने डेफिनेशन दी है कि चरक ने क्या बोला है, वीर्य तत क्रियते ये या क्रिया, जो भी द्रव्य का जो पार्ट काम करता है अपने शरीर में जाकर वो वीर्य कहलाता है, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या द्रव्य के कार्यकारी शक्ति को क्या बोलते हैं, वीर्य कहते हैं। ये डेफिनेशन सभी को याद होनी चाहिए, वीर्यम तथा क्रियते ये या क्रिया, ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना। अब देखो डेफिनेशन वीर्य का लक्षण पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे वीर्य के भेद कितने होते हैं। तो अपन फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कितने वीर्य, उष्ण और शीत वीर्य होते हैं, फिर मैंने वहां पर ये भी बताया था चैप्टर नंबर 9 अपन पढ़ेंगे तो वहां पर कितने वीर्य बता देंगे, 8 वीर्य भी बताएंगे, क्योंकि कई आचार्यों ने, क्योंकि देखो गुरुवादि गुण 20 होते हैं, तो 20 गुणों में से इंपॉर्टेंट ये होते हैं जो सभी आचार्य मानते हैं, 8 गुण ऐसे हैं जो सभी कहीं ना कहीं मान रहे हैं। देखो अब क्या बता दिया अपन ने, पढ़ा है पहले हिम और उष्ण यानी शीत उष्ण तो अपन ने पढ़ लिया, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना कि अब गुरु और लघु भी याद हो जाएगा, हाँ ये भी एक कॉम्बो, और स्निग्ध और रुक्ष भी याद हो जाएगा, यानी स्निग्ध गुरु और हिम यानी शीत, इन तीनों के अपोजिट भी अपने को इसमें रखने हैं। फिर क्या याद रखना, मृदु और तीक्ष्ण, ध्यान रखना मृदु और तीक्ष्ण याद रखना बस, कि मृदु तीक्ष्ण इंक्लूड करेंगे, और वहां पर क्या है, गुरु आएगा तो इसका अपोजिट भी आएगा, स्निग्ध आएगा तो इसका अपोजिट भी आएगा, शीत आएगा तो इसका अपोजिट, तीनों का अपोजिट और एक मृदु तीक्ष्ण याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये वीर्य के भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है, ध्यान रखना। फिर चरक का मत अपन ने पढ़ी लिया, क्या है वीर्य तत्क्रिया थे यंजा क्रिया है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अन्य आचार्य ने वीर्य के बारे में क्या बताया कि देखो मैं बता रहा था ना, 8 प्रकार के वीर्य को वीर्य का भेद करना किस लिए उचित है, क्योंकि वर्णन करते समय समस्त गुण में
आठ जो गुरु आदि गुण मैंने बताया, आठ गुण, क्योंकि इनकी शक्ति की अधिकता होती है, उत्कृष्ट होते हैं, और व्यवहार जो वे मुख्य रूप से इन्हीं को ग्रहण किया जाता है। कह रहा हूं ना मैं कि इन्हीं को प्रैक्टिकली यूज करते हैं आठ गुणों को, इसलिए बहुत से गुणों में भी सबसे पहले इन्हीं का वर्णन आता है, इसलिए आठ प्रकार के वीर्य बता दिया आचार्य ने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। अष्टवीर कभी पूछ ले अष्टवीर्य कितने होते हैं, अष्टवीर्य बताइए, तो आपको ये बताना है गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष है ना, शीत उष्ण और मधु तीक्ष्ण, तो ये भी याद होना चाहिए किसके साथ, उष्ण और शीत के साथ है ना, दो प्रकार के तो याद ही है लेकिन आठ प्रकार के और याद होने चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि रस आदि में अवीर्यता बता रहा है कि अतः रस आदि वीर्य में लक्षण के घटने हैं विपरीत होने पर, ठीक है, या कह सकते हैं अस्थिरता अल्प शक्ति गुण, तो मैं अप्रधानता होने के कारण भी रस आदि के लिए वीर्य शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखो वीर्य के लक्षण घटने पर विपरीत होने पर इनके वीर्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रस आदि की क्रिया करने पर समर्थ होने पर भी वीर्य शब्द से नहीं कहा जा सकता, जो रस आदि भी तो काम करते हैं लेकिन उनको भी तो वीर्य कह दो, नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये चीज है ध्यान रखना। अतः गुरु आदि आठ को ही क्या मानते हैं, वीर्य मानते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आप यूं भी कह दो मधुर भी तो काम कर रहा सर, मधुर को भी वीर्य कह दो, तो नहीं कह सकते, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। बाकी यहाँ पर ये अन्य आचार्य और चरक का भेद याद रख लेना है, डेफिनेशन याद रखनी है आपको, और इसके प्रकार है। अब वीर्य दो दो भेद भी बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, और वापिस यहाँ पर रिवाइज करवा दिया, उष्ण और शीत वीर्य के दो भेद भी होते हैं, ठीक है। संसार में नानात्मक होने पर, जैसे कि यह संसार व्यक्त और अव्यक्त इन दो भावों से पृथक नहीं रहता, उसी प्रकार द्रव्य भी महाबली अग्नि और सोम इन दो का ही उल्लंघन नहीं करते हैं। जानते अपन अग्नि और सोम दो ही तो चीज है, उष्णता और शीतता, तो शीतता जल में होती है यानी सोम में होती है, और अग्नि किसमें होती है, उष्णता में होती है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसलिए क्या है, इन दो को तो ध्यान रखना ही, उष्ण किस लिए, क्योंकि ये प्रधान है ना, इनसे कोई व्यक्त व्यक्त और अव्यक्त जो भी चीजें इनमें ही होगी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दो प्रॉपरली बता रखे, बाकी आठ भी याद रखने हैं आपको। फिर उष्ण शीत वीर्य के गुण क्या बताए, तो देखो यहाँ पर क्या बता दिया, उष्ण वीर्य, उष्ण गर्म होगा क्या काम करेगा, वो भ्रम करवाएगा, तृष्णा प्यास लगवाएगा, ग्लानि करेगा, स्वेदन करवाएगा, दाह करवाएगा और शीघ्र पकाएगा, ठीक है, और वात और कफ का शमन करेगा। क्यों? क्योंकि वात कफ में एक गुण आप पढ़ते होगा शीत, इसीलिए वो क्या करता है, अपोजिट है, इसलिए इनका कम करेगा। फिर बात करते हैं शीतता क्या करेगी, शीत वीर्य प्रसन्नता उत्पन्न करेगा, जीवन देगा और स्तंभता लाएगा और रक्तपित्त की शुद्धि करवाएगा, ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक कॉमन सेंस से भी याद रह सकती है कि हाँ भाई उष्ण है तो क्या क्या चीजें करें, लेकिन इसको बार बार आप रन करना ताकि आपको ज्यादा याद रहे कि हाँ ये चीज समझने में आसानी हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो यहाँ दो ही दोनों भेद बता दिए, अष्टवेद वीर्य और त्रिविद वीर्य भी बता दिए आपको मैंने बता दिए। अब विपाक का लक्षण बताया, तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि वाग्भट के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, सेकंड ईयर में टीचर डायरेक्ट बोलेगा आपने वाग्भट संहिता पढ़ी, तो वहां पर ये डेफिनेशन दिए, कोटेशन सबको याद होना चाहिए, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, तो आपको विपाक का याद कर लेना आज हाथुआ, कि जाठ्रेणा अग्नि योगात यद उदेति रसांतरम रसानाम परिणाम अंते स विपाक इति स्मृतः, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो कह रही जाठ्रेणा अग्नि यानी जो जठरा अग्नि है ना, पेट की अग्नि, वो योगात यद उदेति, जो उसका पाक करने के बाद रस में क्या कर देती है, अंतर यानी परिवर्तित कर देती है। अपन जानते हैं जो भी खा रहे हैं अपने पेट में जा रहा है और अपने जो अग्नि है वो रसों में परिवर्तित कर रही है, ठीक है, परिवर्तित करेगी, जो खाया वो रस और उसमें परिवर्तित कर दिया, तो वो किसमें परिवर्तित हो गया, विपाक में हो गया, ठीक है, तो जो परिणाम बनता है अंत आता है, जो परिणाम का अंत होता है वो क्या कहलाता है, विपाक कहलाता है, इसीलिए रसानाम परिणाम अंत, रसों में जो परिणाम होता है अंत, परिणाम का अंत होता है वो क्या कहलाता है, विपाक कहलाता है। तो देखो यहाँ पर बोला खाए हुए जो मधुर आदि जो रस होते हैं उन द्रव्यों का मांस श्रोतश में जठरा अग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जो रस विशेष की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि वाग्भट का एक स्पेशल करेक्टर मान सकते हैं, हाँ भाई इसने विपाक के बारे में बताया, बाकी आचार्यों ने विपाक के बारे में इसी अच्छी डेफिनेशन किसी ने नहीं दी, ठीक है, तो ये ध्यान रखनी। फिर देखो विपाक के तीन भेद होते हैं, अपन ने पढ़ा है छह रस होते हैं कि मधुर अम्ल लवण कटु तीक्त कषाय, तो मैंने पुरानी क्लासों में भी बताए हैं कि विपाक कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो मैंने कहा था मधुर विपाक है तो किस किस से मिलके बनेगा, तो मधुर है तो किससे बनेगा, मधुर रस और लवण रस से मिलके बनेगा, जबकि अम्ल विपाक है तो किससे मिलके बनेगा, अम्ल रस से मिलके बनेगा, तो कटु तीक्त कषाय है तो इसमें कौन सा विपाक बनेगा, कटु विपाक बनेगा, यानी नीचे वाले जो तीनों रस हैं उनसे कटु विपाक बनता है, ऊपर वाला और जो तीसरे नंबर वाला रस होता है उससे मधुर विपाक बनता है, और बीच वाला दूसरा नंबर वाला उससे अम्ल होता है। तो आराम से आप छह रस लिख लेना और उसका कॉम्बिनेशन बना बना के याद रख लेना, ठीक है, विपाक कितने होते हैं, तीन होते हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है आपसे विपाक के भेद बताओ, है ना, तो ये भी। अब देखो विपाक होता है दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं आप, ठीक है, आप फिजियोलॉजी में जो भी पढ़ोगे सब दो टाइप में पढ़ाएगी मैडम या टीचर जो भी पढ़ाएगा आपको, वो ऐसे ही बोलेगा कि
कि दो होते हैं अवस्थापाक और निष्ठापाक। अवस्थापाक जैसे कि आप डाइजेस्ट कर रहे हो भोजन, भोजन जैसे ही स्टमक में या आप जैसे ही बकल कैविटी में डाला तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ तो एमिनो एसिड ये बने, कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड बन गए, है ना। एमिनो एसिड नहीं कह सकते उसको, तो ग्लूकोज बनेगा लास्ट में, ग्लूकोज में टूटेगा, तो इसलिए ग्लूकोज बन रहा है इसलिए मधुर विपाक हो गया फर्स्ट में, ठीक है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद प्रोटीन का डाइजेस्ट हुआ तो अमीनो एसिड बना, तो एसिड बन रहे हैं इसलिए अम्ल विपाक हो गया लास्ट बीच में। फिर लास्ट में जाते जाते क्या होगा, कटु रस युक्त हो जाता है इसलिए कटु विपाक होता है, ठीक है। तो जो ये फेज तो हर एक में आएगी, चाहे आप कौन सा भी रस खाओ, चाहे आपने अम्ल खाया तो भी तीनों कंडीशन आती है। इसीलिए ये कैसे बोल रहे हैं, इसीलिए तो अवस्था है इनकी, हर एक स्टेजेस आएगी सही आपके, कुछ भी खा लो आप, कोई भी रस खा लो, तो ये तीन रस आएगी अवस्था पाक में, मधुर अम्ल और कटु अवस्था पाक, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे भी लिख रखा है, स्टोरी में अपन पढ़ेंगे कि विपाक निष्ठापाक को कहते हैं, तो निष्ठापाक अलग है। अब ये अवस्थापाक हो गया पहले कंप्लीट, पूरा तीनों सिचुएशन हो गई, आप फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको, लेकिन एक बेसिक चीज समझा रहा हूँ मैं आपको, अवस्थापाक पूरा समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद चलती है निष्ठापाक, निष्ठापाक ही उसको कहते हैं विपाक। तो जब भी विपाक की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो किसकी लिखते हैं, निष्ठापाक, यानी वो रस जो भी होना था टूट टाट गया है, और अब जब एब्जॉर्ब की बात आई, एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्प्शन की बात आई है, तब वो क्या कहलाता है। जैसे ही अपन ने वो पढ़े थे कितने केदारी कुल्या न्याय है ना, वो सारे न्याय पढ़े थे, तो वो अब न्याय काम करेंगे, यहाँ यहाँ पर आके काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रस बन गया, परिपक्व जो रस था वो बन चुका है, अब यहाँ से जिसको भी भेजना है, जो जो उनसे भी स्रोतस को भेजना है तो यहाँ से भेजोगे, और इसी को क्या बोलते हैं, विपाक या निष्ठापाक बोलते हैं। तो ध्यान रखना निष्ठापाक भी तीन प्रकार का होता है, मधुर अम्ल और कटु, और ये अवस्थापाक भी, लेकिन अवस्थापाक में तीनों सिचुएशन आती है, जबकि जो निष्ठापाक है उसमें वही रस, जो रस अधिक बनेगा, जैसे आपने मधुर खाया तो मधुर ही अधिक बनेगा, तो इसीलिए मधुर निष्ठापाक ज्यादा बनेगा, तो ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपकी। फिर बात करते हैं विभिन्न विपाकों के कर्म, के कौन कौन से विपाक के क्या क्या कर्म होते हैं। तो देखो विपाक में मधुर अम्ल कटु रस में समान फल वाला होता है, अर्थात रस का जो कार्य होता है उसी का कार्य विपाक भी होता है, यानी जो रस काम करेगा वही तो विपाक। आप जानते हो कि जो रस खाया आपने, मधुर खाया तो मधुर विपाक बनेगा, है ना, लवण खाया तो मधुर विपाक बनेगा, तो इसीलिए जो रस खा रहे हो, रस का जो कार्य है वही किसका है, विपाक का है, ठीक है। इस इन रस वीर्य विपाक में कोई द्रव्य कुछ शुभ और कुछ अशुभ कार्य करने वाले होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपरली रस अपने हितकारी होगा वो शुभ काम करेगा, और नहीं होगा वो अशुभ काम करेगा, उसी के अनुसार विपाक बनता है इसलिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। अब देखते हैं अपन द्रव्य के कार्य की प्रकृति क्या होती है, तो समझना द्रव्य कैसे काम करता है। आपको मैंने बताया था किसी भी द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ बार बार, रस होता है उसके अंदर, रस के बाद क्या होता है, गुण होता है, गुण के बाद वीर्य होता है, वीर्य के बाद विपाक होता है और प्रभाव होता है, या अपन कह सकते हैं रस विपाक गुण वीर्य और प्रभाव, ऐसा के जो भी सिक्वेंस है आप याद रख लेना वाग्भट की, यही है रस विपाक गुण वीर्य और प्रभाव। देखो आपको पता है कि देखो ये सारे रस पंचक कहलाते हैं, देखो कितने ही संख्या में, 1, 2, 3, 4 और 5, पांच है रस विपाक गुण वीर्य प्रभाव, ये पांच हो गए संख्या में, तो इसीलिए इनको रस पंचक बोला है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्रभाव होता है जिसका ज्यादा, वो जिसका प्रभाव कम है उसको हरा देता है, आप ये नियम पढ़ चुके हैं इकोलॉजी में, आपको अच्छे से याद होगा कि जिसका गुण का यदि ज्यादा हो गया प्रभाव तो वो रस को हरा देगा, वीर्य का ज्यादा हो गया तो गुण को हरा देगा, और विपाक का यदि प्रभाव ज्यादा हो गया तो वीर्य गुण रस सभी को हरा देगा इसके, और प्रभाव यदि काम करता है तो विपाक वीर्य गुण रस सभी को हरा देता है और इसी के अनुसार काम करता है, यही बोल रहा है ये लाइन जो बता रही है, कि कुछ द्रव्य अपना कार्य रस से करते हैं तो कुछ विपाक, और कुछ गुण से तो कुछ वीर्य से तो कुछ प्रभाव से। अब नेक्स्ट लाइन में जो मैंने बताया वही बात आएगी कि द्रव्य में रस वीर्य विपाक और प्रभाव है ना, इनमें से जो अधिक शक्तिशाली होता है वह शेष तीन को पराजित करके अपना कार्य करता है, जो मैंने बताई वही लाइन चल रही है कि विरोधी गुण के सहयोग होने पर जो गुण अधिक प्रभावशाली होता है वह अल्प गुण वाले को परास्त कर देता है, तो वही जो इकोलॉजी का सिद्धांत था वो यहाँ पर चल गया कि जो प्रभावित होगा वो जो अप्रभाव वाले को हरा देगा, है ना। तो ये चीज ये रसों में भी ऐसे होता है, रस पंचक में ऐसा ही चलता है कि कोई द्रव्य रस से काम कर रहा, कोई वीर्य से काम करता है, कोई विपाक से। अब आप कहते हो कि सर हमने ये वीर्य रस से काम करा तो ये भी वीर्य से ही करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसका रस प्रधान है तो कोई विपाक प्रधान है, ठीक है, तो इसलिए अलग अलग हो जाते हैं कई चीज। अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट की रस आदि की प्रधानता की बात करें तो क्या बता रहा है, जब चारों रस विपाक वीर्य प्रधान में समानता अर्थात समान बल हो, यानी सभी जो चार बताए मैंने है ना, यहाँ पर चार ही बता रहा है, यानी कि रस विपाक वीर्य और प्रभाव की बात कर रहा हूँ, में समानता हो, समान बल हो, तो रस को विपाक यानी समान है तो देखो क्या बोल रहा, रस को विपाक पराजित कर देगा, जो रस है उसको आगे वाला पराजित कर देगा, विपाक ने रस को पराजित कर दिया, और रस और विपाक इन दोनों को कौन, वीर्य पराजित कर देगा,
ठीक है। अब वीर्य विपाक और रस को कौन प्रभाव पराजित कर देगा, तो ये चीज आपको नोटिस में आ गई होगी, ध्यान में आ गई होगी, वीर्य यही बात बता रहा। फिर रस आदि का बल समान होने पर उनका नैसर्गिक बल कार्य करता है, यदि समान है तीनों में तो उनमें जो नैसर्गिक बल है वो काम करेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं प्रभाव का लक्षण। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, समझ में नहीं आती है, मेरे भी नहीं आई थी, मैं भी फर्स्ट ईयर में था तब, है ना, और ये भी समझ में नहीं आया था क्या प्रभाव क्या बताना चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है यहाँ आकर, तो मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। देखो अपन ने ये बात तो समझ में आ गई कि रस है, रस को विपाक पराजित करता है, विपाक को वीर्य पराजित करता है, और वीर्य को प्रभाव पराजित करता है, तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्रभाव ने क्या किया कि रस आदि साम्य, यानी जो भी थे रस विपाक है ना वीर्य, तो इनको क्या बोल दिया साम्य, यानी ये सब सिमिलर है इसलिए प्रभाव ने काम किया। तो रस आदि साम्य यत कर्म विशिष्ट है, जो कर्म विशेषता विशेष रूप से होता है, तत्प्रभावजम जो प्रभाव कहलाता है, यानी रस आदि में समानता है ना, जो भी मैंने बताया रस विपाक है ना वीर्य, इनमें समानता है होने पर जो विशेष कर्म दिखाई देता। आप कहोगे सर ये इसके अनुसार काम नहीं दिखा रहा, कुछ अलग इफेक्ट शो कर रहा, तो वो कैसा क्या बोलेंगे उसको प्रभाव बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन सभी को याद होनी चाहिए, रस आदि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो प्रभाव के एग्जाम्पल दिए इसने, क्या एग्जाम्पल दे रखे इसने कि प्रभाव दो दो एग्जाम्पल लिए इसने, तो ये कंपेयर नहीं कर रहा, बस दो दो एग्जाम्पल को साथ दे के बताया इसने कि जैसे दंती है ना और चित्रक, इनके जो भी रस गुण वीर्य है ना वो सब दोनों के सेम होते हैं, लेकिन जब प्रभाव की बात आती है ना तो दंती विरेचक करने का काम करती है और चित्रक अविरेचक होता है, यानी विरेचन नहीं करवाता, विरेचन यानी मोशन करवाना, जबकि चित्रक मोशन नहीं करवा रहा, लेकिन दंती क्या करती है विरेचक करवाती है, ठीक है। तो देखो आपको बता दिया, मैं इसीलिए कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों में, बस दोनों को एक साथ लेके आपको बताना चाह रहा हूँ कि दंती और चित्रक रस गुण वीर्य विपाक सभी सेम होते हैं इन दोनों के, लेकिन प्रभाव की बात आती है जब इनके काम करने की बारी आती है तब आप कहोगे सर दोनों के रस विपाक और प्रभाव इसके जो भी है रस वीर्य विपाक तो ये सेम है, तो फिर किस हिसाब से काम कर रहा, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर प्रभाव काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाइवा का क्वेश्चन है, वाइवा एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है कि जब दोनों में सिमिलरिटी है तो किस अनुसार काम करा, तो यहाँ पर क्या काम करता है प्रभाव काम करता है, इसीलिए वो क्या करता है रस को भी दबा रहा है, विपाक को भी दबा रहा है और वीर्य को भी दबा देता है, इसीलिए प्रभाव क्या करता है विशेष रूप से काम करता है, इसीलिए दंती क्या हो गई विरेचक और चित्रक अविरेचक होते हैं। इसी तरह मुलेटी और द्राक्षा की बात करें, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये कंपेयर करने के लिए नहीं लिखा मैंने, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल लिया है विद दोनों के रिलेशन बता दिया है, दोनों को साथ में लेकर आपको समझ में आया, इसलिए कि मुलेटी और द्राक्षा दोनों के रस वीर विपाक सेम होते हैं, मुलेटी भी मधुर वाली होगी मधुर रस वाली होगी, ये भी मधुर रस वाली होगी, मधुर विपाक मधुर विपाक, लेकिन जब इनके काम करने की बारी आती है तो द्राक्षा होती है, द्राक्षा आप सभी जानते होंगे है ना मुनक्का, तो वो क्या होती है विरेचक करवाती है, मोशन करवाने का काम करती है, ठीक है, तो मोशन करवाने का काम करती है, जबकि मुलेटी मोशन नहीं करवाती, वो वॉमिट करवाने का वामक करवाने का काम करती है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर कि एक तो विरेचन करवा रही लेकिन दूसरी विरेचन नहीं करवा रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव काम कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। अब आपको बता दूं मैं घृत और दूध के सभी गुण जो रस है वीर्य है और विपाक सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं घी की तो ये क्या करता है अग्नि को दीपन करने का काम करता है, घी अग्नि दीपक होता है ना, अग्नि को संदमित करने का काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, जबकि दूध तो अग्नि को शीत होता है ठंडक के कारण, ये भी ठंडा होता है, लेकिन जो इसका काम है ना दोनों शीत होने के कारण, तो ये दूध भी क्या होता है अग्नि दीपक होना चाहिए, लेकिन नहीं इसके घृत है वही अग्नि दीपक होता है, इसीलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पर प्रभाव काम कर रहा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे तीनों एग्जाम्पल, अब ये थ्योरी में जो ही मैंने बताया वही लिख रखा है, तो आप ऐसे ही याद रखना दोनों एग्जाम्पल, यहाँ पर रस वीर्य और प्रभाव जो विपाक है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव है उसी के अनुसार ये काम करे, ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो गई होगी, तीन एग्जाम्पल थे इसीलिए वो बता दिए मैंने आपको, अर्थात कुछ द्रव्य अपना कार्य रस में रस से तो कुछ वीर्य से तो कुछ गुण से कुछ विपाक से तो कुछ प्रभाव से करते हैं, द्रव्यों में रहने वाले रस विपाक को नष्ट कर देता है, रस विपाक को वही बात बता रहा, वापिस रिपीट कर दी यहाँ पर, ये किसने बताई चरक ने बताई, ठीक है ना, इसने नहीं बताई, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, मतलब चरक ने भी सेम बताई लेकिन रिपीट करना जरूरी था, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल यहाँ दे दी आपको याद करना है वापिस कि हाँ भाई ये ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रभाव की पूरी बात कर ली है और प्रभाव आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं ग्रंथकार के सामान्य उक्ति, यानी इस द्रव्य के कर्म को सामान्य रूप से कह सकते हैं, किंतु ये कर्म द्रव्य के भेद की उत्पत्ति में कारण होगी, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, तो आप यहाँ तक ही याद रखें। फिर देखो यहाँ पर दो बातें करते हैं अपन, विचित्र प्रत्यारभ और समान प्रत्यारभ, ये सिद्धांत सेकंड ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सेकंड ईयर में तो पूछते ही है लेकिन आपके एग्जाम में भी 10 नंबर में पूछ रखा है,
ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेट है, आराम से चीजों को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विचित्र प्रत्यारोप का उदाहरण डायरेक्ट दे दिए, लेकिन समझाया ज्यादा नहीं। अब डायरेक्ट थ्योरी पढ़ोगे तो आपके इतना समझ में आएगा नहीं कि क्या बोल रहा। अब मैं आपको समझाता हूँ पहले समान प्रत्यारोप और विचित्र प्रत्यारोप। देखो समान प्रत्यारोप क्या होता है कि जैसे अपन रज गुण वीर्य विपाक बोलते हैं ना, जो लाइन जो प्रभाव में बोली थी अपन ने, तो वो क्या होते हैं सिमिलर, जो महाभूत इनके सेम होते हैं। यानी देखो कई बार अपन कहते हैं ना कि रस यदि उसका मधुर है तो मधुर ही उसका क्या बनना चाहिए, जो विपाक है वो बनना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ रस देखा तो डायरेक्ट अपन कहाँ चले जाएंगे विपाक पे, और विपाक यदि मधुर है तो उसके जो वीर्य होगा वो भी ठंडा होगा, शीत होगा। ठीक है, शीत अपन ने वीर्य डिफाइन कर लिया, और जब वीर्य डिफाइंड हो गया तो अपन डायरेक्ट कह देंगे कि नहीं यहाँ पर क्या आना चाहिए, शीत आ रही है इसलिए स्निग्धता आएगी और जो गुरुता आएगी, क्यों गुरु ही तो क्या होता है मधुर होता है, तो गुरुता गुरु और स्निग्धता आराम से गुण बता दे। तो अपन ने डायरेक्ट रस से विपाक बता दिया, विपाक से वीर्य बता दिया, और वीर्य से गुण बता, क्यों, क्योंकि देखो जो महाभूत होते हैं रस में उसी के अकॉर्डिंग गुण विपाक में बनते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वीर्य में बनेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ये गुण में बनेंगे। तो यदि ये सिमिलरिटी जो वेव चल रही है वो सेम है तो समान प्रत्यारोप काम कर रहा है वहां। ठीक है, यानी सिमिलरिटी। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, जिन द्रव्यों में प्रारंभिक महाभूत का संगठन समान होता है उन द्रव्यों के रस गुण वीर्य विपाक भी समान होते हैं, उन द्रव्यों के समान प्रत्यारोप कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपके कहा आ गई होगी समझ में। जैसे मैं बात करूं रस मधुर है तो पृथ्वी जल महाभूत के दिखता है, तो वैसे ही मधुर से विपाक बनेगा, वो भी क्या मधुर विपाक बनेगा, तो उसमें भी सेम महाभूत होंगे, और जो शीत है तो उसमें भी वैसे ही महाभूत जो बनने चाहिए, वैसे नहीं मतलब सिमिलर जो वेव चल रही है वो से महाभूत बनेंगे। तो ये रूल तो सामान्य प्रत्यारोप समान प्रत्यारोप को फॉलो कर रहा है, तो ये चीज समझ ली। अब इसके अपोजिट समझ लेते हैं, तो विचित्र प्रत्यारोप बोलेंगे, क्या होंगे कि जिन द्रव्यों के प्रारंभिक महाभूत का संगठन समान न होकर, समान नहीं होगा तो उनका रस गुण वीर्य विपाक भी समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो जिसको क्या बोलते हैं विचित्र प्रत्यारोप। जैसे यहाँ पर बोला है ये सेम लाइन बोल दी, तो देखो अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, क्योंकि अपने एग्जाम्पल भी रूप में यही दे रखे हैं। तो गेहूं और जौ, गेहूं की बात कर रहा है, रस के लिए क्या बता दिया गेहूं क्या होता है मधुर होता है, तो जौ भी क्या हो गया मधुर हो गया। ये यहाँ पर प्रभाव काम नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ विचित्र प्रत्यारोप। तो देखो रस क्या हो गया गेहूं का मधुर हो गया, तो जौ का भी क्या होता है मधुर होता है। गुण क्या हो गया गुरु स्निग्ध होता है ना, देखो मैंने बोल दिया मधुर होता है तो मधुर ही क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये यह होना चाहिए। तो देखो यहाँ सिमिलरिटीज बता रहे, जौ और गेहूं में देखना, तो रस में मधुर हो गया, फिर मधुर जो है वो भी मधुर होता है। अब डायरेक्ट गुण देखेंगे तो गुरु स्निग्ध है, ठीक है, तो यहाँ भी गुरु और स्निग्ध होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर मधुर है तो गुरु स्निग्ध होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है देखो मैंने पहले ही बता दिया था, मधुर रस पता पड़ती है आप सब कुछ चीज बता देते हो जब तक समान प्रत्यारोप काम कर रहा, तो मधुर बताया तो मैंने आपको विपाक पढ़ा दिया था, मधुर रस होगा क्या बनेगा मधुर विपाक बनेगा, और विपाक यदि मधुर है तो डायरेक्ट आप क्या वीर्य बता सकते हो, शीत और उष्ण वीर्य तो बताना, तो मधुर है तो शीतता ही तो लाएगा वो, ठीक है ना, और शीतता है तो आपको पता है कि शीतता है तो गुरु गुरु होगी, हेवी होती है शीतता, और वही स्निग्धता लाती है, तो ये गुण भी बता दिए, तो ये वेव चलती है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन जब ये समान प्रत्यारोप को फॉलो नहीं करता, यानी विचित्र प्रत्यारोप को फॉलो कर रहा, तो यहाँ पर मधुर से डायरेक्ट मधुर विपाक तो सेम मिल गया, तो विपाक से आप क्या बताते हो वीर्य, तो वीर्य भी शीत मिल रहा। लेकिन जब इसकी बारी आती है गुण बताने की, यहाँ गुरु तो बता रहा है लेकिन रुक्ष बता दिया किसमें जो में, तो आप दोनों एग्जाम्पल साथ साथ देकर आराम से समझा सकते हो एग्जामिनर को, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर रहा है विचित्र प्रत्यारोप को सिद्ध कर रहा है ये एग्जाम्पल। ठीक है, फिर बात करते हैं दूध और मछली की, बात करें तो दूध क्या होता है रस में मधुर है, तो डायरेक्ट मधुर से आप क्या बता दोगे विपाक बता दोगे, तो विपाक क्या होगा मधुर बनेगा, मधुर विपाक है तो वीर्य क्या होगा शीत होगा, और शीत वीर्य है तो गुरु और स्निग्ध ही तो गुण होगा, ये कभी से बताता आ रहा हूँ, और सेकंड ईयर में बहुत काम आएगा द्रव गुण सेकंड पढ़ोगे आप, डायरेक्ट बताना रस याद हो गया तो डायरेक्ट रस तो आपको जैसे ही पता हो ही जाता है, क्योंकि ड्रग्स आप देखते हो तो उसको चक्के भी तो देखोगे जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब, तो इसीलिए डायरेक्ट रस पता है आपको, दूध क्या होता है मधुर होता है, डायरेक्ट विपाक बता देना मधुर होगा, और उसका वीर्य बता देना शीत होगा, क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है मधुर जो विपाक होता है उसका शीत वीर्य होगा। यदि यहाँ पर जो कटु कटु और लवण होता यदि विपाक है ना, समझना सॉरी अम्ल और कटु विपाक होता तो यहाँ पर क्या उष्ण वीर्य, ध्यान रखना ये तो मैंने शीत के एग्जाम्पल लिए। तो देखो यहाँ पर मधुर हो गया तो मधुर का शीत होगा, अब शीत हो गया तो यहाँ पर गुण क्या बताएंगे गुरु और स्निग्ध, ठीक है, तो इसीलिए समान प्रत्यारोप हो गए,
जी। अब देखो विचित्र प्रत्यय आपका देखते हैं तो अपने को पता है मछली क्या होती है, रस में मधुर होती है, तो मधुर ही इसका विपाक बनता है। मधुर विपाक है तो शीत वीर्य बनना चाहिए लेकिन नहीं बनता, उष्ण वीर्य है तो है ना, उष्ण वीर्य है तो, लेकिन गुरु और स्निग्धता तो आ रही है, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि गुण तो यहाँ पर गुरु स्निग्ध सही बता रहा है लेकिन वीर्य क्या बता दिया, उष्ण वीर्य बता दिया, जबकि यहाँ शीत वीर्य होना चाहिए था। इसलिए ये क्या करता है, विचित्र प्रत्यारोप का एग्जाम्पल है और समान प्रत्यारोप को फॉलो नहीं करता, ठीक है ये चीज ध्यान रखना। फिर यहाँ पर प्रभाव वाले एग्जाम्पल मैंने ऊपर डिस्कस कर ही लिए थे, यदि उनके रस गुण वीर्य विपाक भी आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं, मैं इसकी थोड़ी और क्लियरली कर लेता हूँ, समान प्रत्यारोप और विचित्र प्रत्यारोप की, कि समान प्रत्यारोप और विचित्र प्रत्यारोप के सिद्धांत का उल्लेख अष्टांग हृदय में मिलता है। आप सभी जानते हैं सेकंड ईयर बुक के नोट्स है, ध्यान रखना आपकी बुक के नोट्स नहीं है लेकिन चीजों को समझने के लिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया। कि समान प्रत्यारोप की बात करें तो क्या बता रहे हैं कि द्रव्यों के आरंभक महाभूत, उनके रस वीर्य आदि के आरंभक महाभूत, इन दोनों के आश्रय समान होते हैं, ठीक है इनके समान होते हैं, उसी लिए उनको क्या बोलते हैं, समान प्रत्यारोप बोलते हैं। जैसे मैं नारियल की बात करूं तो नारियल में द्रव आरंभक महाभूत क्या हो गए, पृथ्वी और जल, तो उसमें आश्रित रस में वीर्य विपाक आदि में आरंभक महाभूत क्या होंगे, पृथ्वी और जल ही होंगे, ठीक है क्यों, आरंभक महाभूत बोल दिए पृथ्वी और जल होंगे, तो आश्रित जो रस वीर्य विपाक है उनमें भी तो पृथ्वी जल होने चाहिए, तो ही तो क्या होगा, समान प्रत्यारोप को फॉलो करेगा। तो ये चीज आप आराम से अच्छे से क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं विचित्र प्रत्यारोप की, तो विचित्र प्रत्यारोप में क्या बोल रहा है, जिन द्रव्यों के द्रव्य आरंभक महाभूत और रस विपाक वीर्य आदि आरंभक महाभूत का संगठन विचित्र होता है, भिन्न भिन्न होता है, उन द्रव्यों का विचित्र प्रत्यारोप कहते हैं। ऐसे द्रव्यों के कर्म या रस विपाक और वीर्य में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है तो ये चीज थी। तो समान प्रत्यारोप यदि आपके अच्छे से क्लियर हो गया तो ये विचित्र प्रत्यारोप ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है तो ये चीज इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से बताएं। सो थैंक यू, ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा।